दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंश मेडियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स राजकोट में पैरामेडिकल नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर क्या रहने वाला है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो दिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो इसमें अपन चल लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की यहाँ पर वैकेंसी आई है। तो बेसिकली यहाँ पर अपन नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल के बारे में बात है, जो लेवल 9 यहाँ पर रहने वाला है। इसमें अपन टोटल पोस्ट के बारे में बात है, टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी स्पीच थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर, जो टेक्निकल सुपरवाइजर है ना, जो यहाँ पर अपन बात करें तो लैब टेक्नीशियन और जो OT टेक्नीशियन वाले हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ये पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर ऑप्थमोलॉजी टेक्निकल ऑफिसर के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए रहने वाली है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 58 पोस्ट रहने वाले हैं, जिनमें अपन बात करें दोस्तों 46 पोस्ट तो यहाँ पर फीमेल के लिए है और 12 पोस्ट यहाँ पर मेल के लिए रहने वाला है। तो टोटल एम्स राजकोट के अंदर 133 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज 21 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने GNM प्लस पोस्ट बेस से BSc नर्सिंग कर रखी है 2 साल की, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है या फिर जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है ना, उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में दोस्तों 6 साल का आपके पास में 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज 21 से 30 ईयर बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते दोस्तों, जो 12th वो साइंस में पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। साथ में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में 2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो फिजियोथेरेपी काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी स्पीच थेरेपिस्ट रहने वाली है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो आपकी एज 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, स्पीच एंड हियरिंग के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आप ये जो 25 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BAMLT कर रखी है, मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपने बैचलर डिग्री कर रखी है और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अंदर, वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप
साथ में जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और यदि आप एनेस्थेसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ओटी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में दोस्तों आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है ओटी के अंदर तो आपके पास में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपनी नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर या डेंटल टेक्नीशियन के लिए। तो आप सबसे पहले अपन एज लिमिट में बात करें तो आप एज वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों 12th व साइंस पास होनी चाहिए एंड दोस्तों 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक के अंदर। साथ में जो डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक के अंदर जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में 5 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर ये लेने वाली है। इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपकी एज है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों यदि आप लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर, साथ में 10 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। और यदि आप एनेस्थेसिया या फिर ऑपरेशन थिएटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों ओटी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 10 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपने ओटी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में 13 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थमोलॉजी के लिए रहने वाली है। सबसे पहले अपन एज के बारे में बात करें तो आपकी एज है वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों ऑप्थल में ट्रेनिंग के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 5 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने जीएनएम कर रखी है उसके बाद में आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है 2 साल की तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में 3 साल आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। एज के बारे में बात होता है आपकी एज वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंट उनके लिए आप 3,000 रुपये, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट उनके लिए आप 1,500 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। और जो पीएस वाले स्टूडेंट उनके लिए आप कोई फॉर्म फीस नहीं है। और आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है ये वेबसाइट दे रखी है www.ems.rajkot.edu.in पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट रहने वाला है। इसमें अपन बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सेंटर है वो कहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों जो सबसे पहले टेस्ट सेंटर है वो राजकोट, अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली या मुंबई के अंदर या 4 जगह पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो यहाँ पर आप चूज़ कर लेना जब भी फॉर्म आप भरो उस टाइम पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा में छूट दे रखी है तो आप यहाँ पर देख लेना। इसमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो सीबीटी आप एग्ज़ाम देने के बाद में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों जनरल वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 40% नंबर चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखा है यहाँ पर 40% आने चाहिए। ओबीसी एनसीएल और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए यहाँ पर 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए। जो एससी एसटी पीएच वाले हैं एस सर्विस में उनके लिए यहाँ पर 30% नंबर आने चाहिए सीबीटी के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 0.25 मार्क यहाँ पर रहने वाली है। और अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम सिलेबस है ना वो यहाँ पर दे रखा है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जो फॉरम है वह है आप जो एम्स राजकोट की वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, जब भी फॉरम स्टार्ट होंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो फॉरम है वो 30 दिन तक भरे जाएंगे, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो।
और जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा, 30 दिन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों ये सिलेबस दे रखा है पूरा, ग्रुप बी ग्रुप सी की जो पोस्ट है, ग्रुप ए की जो पोस्ट है, पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। और जो पूरी PDF है वो आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर भी यदि दो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो नीचे आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।